हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड एम बैक विद अनदर वीडियो सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी सेकंड हेड जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी के बारे में तो कलेक्शन ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी के बारे में जो हमने हमारा फर्स्ट हेड कंप्लीट कर लिया है एंड दैट फर्स्ट हेड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो को ध्यान से देखे बिकॉज काफी सारे पॉइंट्स वहां से आपको पेपर में पूछे जाएंगे और फिर आपका कोई सिली मिस्टेक्स ना हो तो अभी हम जो सेकेंड हेड पढ़ने वाले हैं सेकेंड हेड है हमारा एजुकेशनल सर्विस का सेकेंड हेड कौन सा है हमारा एजुकेशनल सर्विसेज का है तो एजुकेशनल सर्विसेज में काफी सिंपल पॉइंट्स है वो आज डिस्कस करेंगे तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग अबाउट कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी जो आपको पेपर में क्वेश्चन में पॉइंट्स आते हैं कि उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉइंट आपका टैक्सेबल है और कौन सा पॉइंट आपका नॉन टैक्सेबल है तो फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेकेंड हेड एंड दैट इज़ एजुकेशनल सर्विसेज तो एजुकेशनल सर्विसेज में ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो टैक्सेबल होंगे और ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो नॉन टैक्सेबल होंगे तो हम हमेशा क्या डिस्कस करते हैं हम नॉन टैक्सेबल के पॉइंट डिस्कस करते हैं बिकॉज यही से आपका कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है और यही पॉइंट्स आप पेपर में गलत करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जैम्ट वाले पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे तो सबसे पहला जो हमारा एग्जैम्ट वाला पॉइंट है अगर आप ट्रेनिंग देते होंगे अगर आप एजुकेशनल सर्विसेज देते हैं अगर आप ट्रेनिंग देते होंगे कल्चर से रिलेटेड तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे रिलेटिंग टू कल्चर तो ट्रेनिंग अगर आप देते होंगे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवाते होंगे रिलेटिंग टू कल्चर तो आपको ये याद रखना है वर्ड तो फिर क्या हो जाएगा दैट विल बी नॉन टैक्सेबल इफ यू आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग रिलेटिंग टू कल्चर दैट इज बीन नॉन टैक्सेबल ये पहला पॉइंट है जो आपको एजुकेशनल सर्विस में याद रखना है दूसरा जो है अगर आप ट्रेनिंग देते होंगे और जहाँ पे आप हॉबी क्लासेस रन करते हैं तो क्या याद रखना है आपको हॉबी क्लासेस ठीक है ट्रेनिंग देते होंगे या फिर आप हॉबी क्लासेस रन करते होंगे जो हॉबी क्लासेस होते हैं वो अगर आप रन करते होंगे मतलब बहुत लोग म्यूजिक स्के म्यूजिक के लिए आते हैं कुछ सीखने के लिए आते हैं हॉबी क्लासेस जिनकी जैसी हॉबीज़ होती है तो वैसे के ऊपर भी एजुकेशनल सर्विसेज पे नॉन टैक्सेबिलिटी का कंसेप्ट है एज पर जीएसटी तो दो टाइप के ट्रेनिंग्स हमने पढ़े दैट विल बी ट्रेनिंग रिलेटिंग टू कल्चर ट्रेनिंग रिलेटेड टू हॉबी क्लासेस एंड ट्रेनिंग इन डिफरेंट गेम्स ये याद रखना है आपको ट्रेनिंग इन डिफरेंट गेम्स अगर जो गेम्स के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं दैट इज ऑल्सो नॉन टैक्सेबल दैट इज नॉट ऑल्सो डेट इज ऑल्सो नॉन टैक्सेबल दैट इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ द जी तो ये तीन पॉइंट्स मेजर है जो आपको याद रखने हैं फिर अगर हम एजुकेशनल सर्विसेज की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स को ना ट्रांसपोर्टेशन की फ़ैसिलिटी दी जाती है आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स को बस की फ़ैसिलिटी रहती है स्टूडेंट्स को वैन की फ़ैसिलिटी रहती है तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की स्टूडेंट्स को फैसिलिटी दी जाती है दैट इज़ ऑल्सो बीन नॉन टैक्सेबल तो ये भी क्या है हमारा ये भी एक नॉन टैक्सेबिलिटी का कंसेप्ट है तो वो आपको ध्यान रखना है फिर अगर हम और बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तो जो भी रिसीट्स होते हैं ठीक है रिसिप्ट ऑफ स्कूल है दैट इज़ बीन नॉन टैक्सेबल कमर्शियल कोचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर आएगा तो दैट इज़ बीन टैक्सेबल तो थोड़े एजुकेशन सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए ये थोड़ा सा याद रखें आप वरना कन्फ्यूजन होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे तो रिसिप्ट ऑफ द स्कूल दैट इज़ बीन नॉन टैक्सेबल लेकिन यही रिसिप्ट अगर प्राइवेट कोचिंग क्लासेस का रहेगा तो दैट इज़ बीन टैक्सेबल फिर अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो आजकल वोकेशनल ट्रेनिंग काफ़ी प्रोवाइड किया जाता है तो अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो एंड दैट शुड बी सर्टिफाइड बाय सम इंस्टीट्यूट तो अगर ये सर्टिफाइड है कोई इंस्टीट्यूट से तो वो भी आपका एक एजुकेशनल सर्विस माना जाता है वो वो भी नॉन टैक्सेबल है तो इतने टोटल छः पॉइंट्स है जो आपको एजुकेशनल सर्विस में याद रखने हैं एंड दैट इज़ बीन कंसिडर एज नॉन टैक्सेबल तो हमने अब तक दो हेड्स कंप्लीट कर लिए एक है हमारा इमूवेबल और दूसरा है हमारा एजुकेशनल सर्विस तो आप अभी क्या करें जैसे मैं आपको ये सारी पॉइंट बता रहा हूँ वो आप एक पेपर पे लिख के रखें उसको रिवाइज करते रहे बिकॉज उसको जितना आप रिवाइज करोगे उतने ये पॉइंट्स आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे और बाद में फिर जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद आएंगे एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई विच पॉइंट्स आर टैक्सेबल एंड विच पॉइंट्स आर एग्जैम्ड तो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाय बाय